Good morning class. This is our new genetics class in which today we will study about the human gene therapy. ये एक important question है जो आप लोगों के अक्सर पूछा जाता है. Actually देखिए, हम लोगों ने बहुत तरह के mutations, abnormalities, disorders, disease पढ़ी genetics के अंदर. उनको कैसे डायग्नोस करते हैं ये भी हमने पढ़ा. हमें कैसे पेशेंट्स की काउंसलिंग करनी है ये हमने पढ़ा. तो हमने काउंसलिंग में पढ़ा था कि भाई हमें पेशेंट को बताना है कि ये जो बीमारियां हैं इसको कैसे डायग्नोस किया जाएगा और इसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है. तो जेनेटिक्स वैसे तो डिज़ीज़ का ट्रीटमेंट होता ही नहीं, प्रिवेंशन होता है. ट्रीटमेंट है ही नहीं हमारे पास, या आप थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हो चीज़ों को, पर ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है एट प्रेजेंट. पर एक जो ट्रीटमेंट हमारे पास अवेलेबल है जो अभी तक सभी डिजीज़ पर नहीं बेनिफिशियल उसको देखा गया है, हर एक के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, कंडक्ट नहीं किया जाता, पर फिर भी है एक ऑप्शन अवेलेबल और वो ऑप्शन है ह्यूमन जीन थेरेपी, जो कि डिजीज ट्रीटमेंट के लिए एक प्रॉमिसिंग फ्यूचर है. प्रॉमिसिंग फ्यूचर क्यों? क्योंकि अभी इस पर रिसर्च चल रही है, अभी कंप्लीट हुई नहीं है. अभी एक आध डिजीज़ के लिए ही हमारे को जीन थेरेपी मिली है. अभी सभी डिजीज़ कि थेरेपी अभी तक हम ढूंढ नहीं पाए हैं, रिसर्च चल रही है. फ्यूचर में हम ऐसा मान रहे हैं कि जब ये थेरेपी अच्छे से डेवलप हो जाएगी तो हम काफ़ी हद तक जो ह्यूमन जीन डिसऑर्डर्स हैं उनको हम ठीक कर पाएंगे, जेनेटिक डिसीज़ को हम ठीक कर पाएंगे. तो फ्यूचर इसका बड़ा अच्छा आस्पेक्ट हम उसका देखते हैं फ्यूचर में. तो जीन थेरेपी क्या है? इसमें हम एग्जिस्टिंग सेल के अंदर कोई नया जीन इंट्रोड्यूस करवा देते हैं ताकि वाइड रेंज ऑफ डिजीज़ को क्योर किया जा सके या उसको प्रिवेंट किया जा सके. तो बहुत सारी डिजीज़ को क्योर करने या प्रिवेंट करने के लिए जो एग्जिस्टिंग सेल है उसके अंदर नए जीन को इंट्रोड्यूस करवा देना जीन थेरेपी है. ये एक टेक्निक है जिसके अंदर हम डिफेक्टिव जीन जो उस डिजीज़ डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है उस डिफेक्टिव जीन को हम करेक्ट कर देते हैं. डिजीज़ डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल जो डिफेक्टिव जीन है उसको हम करेक्ट कर देते हैं, उस टेक्निक को अपन जीन थेरेपी कहते हैं. अब सबसे पहले फर्स्ट अप्रूव्ड जीन थेरेपी एक्सपेरिमेंट जो है वो सितंबर 14, 1990 को यूएसए में किया गया था एडीए एससीआईडी को ठीक करने के लिए. आगे पढ़ेंगे, आपके मन में जिज्ञासा जागी होगी कि ये कौन सी डिजीज़ है, तो पढ़ेंगे हम, पढ़ाऊंगी मैं आपको, डिटेल में बताऊंगी कि क्या है ये. डब्ल्यूबीसी से रिलेटेड डिजीज़ है, छोटे बच्चे 14 साल के बच्चे के अंदर ये बीमारी देखी गई थी और फिर उसके अंदर ये ट्रीटमेंट दिया गया था और काफ़ी हद तक अच्छा माना गया, काफ़ी हद तक सही हो गया था, बल्कि पूरा ही सही हो गया था वो. तो फिर हमने ये माना था कि भाई हाँ, हम इसको आगे भी ले जा सकते हैं और आगे भी ये काफ़ी अच्छा साबित होगा. तो एडीए जीन के लिए हमने जो है वो ये थेरेपी बनाई थी और काफ़ी अच्छी ये साबित हुई थी. अब जीन थेरेपी कितने तरह की हो सकती है? तो भाई जीन के अकॉर्डिंग जीन थेरेपी होगी. तो दो तरह की सेल होती है, सोमैटिक सेल और जर्मलाइन सेल. तो उस जो सेल्स है उन्हीं के अंदर डीएनए होएगा, डीएनए में जीन होएगा, डीएनए से जुड़ा हुआ जीन. तो सोमैटिक सेल जीन थेरेपी और जर्मलाइन जीन थेरेपी. सोमैटिक सेल जो नॉर्मल सेल है, जर्मलाइन जो हमारी सेक्स सेल्स होती है उनके अंदर. पर दोनों में क्या क्या डिफरेंस है और हर एक को कर पाना इतना आसान नहीं जितना आसानी से हमने बोल दिया कि हो जाएगा, कर लेंगे, ऐसा हो सकता है. नहीं, उतना भी आसान नहीं है जितना कहा जाता है. क्यों नहीं है? देखिए, तो सोमैटिक सेल जीन थेरेपी एक थेरेपेटिक जीन्स इसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाता है सोमैटिक सेल के अंदर. जर्म लाइन में ऑब्वियस जर्म सेल के अंदर थेरेपेटिक जीन को ट्रांसफ़र करते हैं. सोमैटिक सेल में जैसे कि अपन ने जीन्स बोन मैरो सेल में इंट्रोड्यूस करवा दिया, ब्लड सेल में, स्किन सेल में करवा दिया, और यहाँ पे जीन्स अपन एग या स्पर्म में ही इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं. सोमैटिक सेल जो है वो इनहेरिट नहीं होती अगली जनरेशन में, जबकि जर्म लाइन में अगर आपने करवाए तो वो हेरिटेबल है, वो नेक्स्ट जनरेशन में भी पास होगी वो थेरेपी. सोमैटिक सेल एट प्रेजेंट सभी रिसर्चेस जो हैं वो डायरेक्ट हो रही हैं ताकि सोमैटिक सेल के जीन के डिफेक्ट को अपन करेक्ट कर सकें, पर जर्म लाइन सेफ्टी, एथिकल और टेक्निकल रीज़न से अभी तक हम इसको अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं. अब जीन थेरेपी के अप्रोचेस देखिए भाई, इन वाइवो जीन थेरेपी भी होती है और एक्स वाइवो जीन थेरेपी भी होती है. इन वाइवो मतलब बॉडी के अंदर, एक्स वाइवो बॉडी के बाहर. इन वाइवो जीन थेरेपी में डायरेक्ट हम जो है वो जीन्स की डिलीवरी करते हैं सेल के अंदर
सेल जो किस बॉडी के पार्टिकुलर टिश्यू की जो सेल है उसके अंदर डायरेक्ट हमने जीन वो जो है थेरेपी डाल दी, जबकि एक्स वाई वो थेरेपी में हम जीन को ट्रांसफर करते हैं किसी कल्चर्ड सेल के अंदर और फिर उस कल्चर्ड सेल को बॉडी में रीइंसर्ट करवाते हैं। पहले बॉडी से सेल निकाली, उसको कल्चर किया, उसमें हमने जीन को रिप्लेस किया और फिर हमने वापस बॉडी में डाल दिया, ठीक है, वापस इंजेक्ट कर दिया। तो ये इन वाइवो जीन थेरेपी और एक्स वाइवो जीन थेरेपी है। अब इसके अंदर के भाई इन वाइवो जीन थेरेपी के अंदर देखिए थोड़ा सा बड़ा करके पढ़ लेते हैं अपन। इन वाइवो जीन थेरेपी को देख रहे हैं हमने थेरेपेटिकली, ये आपके पास ये गोला देखो थोड़ा सा ये ऊपर आए हुए हैं इसलिए आपको थोड़ा मुश्किल होगा समझने पर, समझने एक गोला दिखाया हुआ है। इस गोला जो ये आपको सर्किल सा दिख रहा है ये पर्पल कलर का है जिसके अंदर लाइट ब्लू कलर का दूसरा कलर आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला सर्किल, ठीक है, ये सर्किल ये डार्क ब्लू कलर का है, इसके अंदर हमने थेरापेटिक जीन डाला जो आपको लाइट ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है। ये थेरापेटिक जीन हमने इंसर्ट कर दिया है, डिलीवरी कर दी, कई सारे मेथड्स होते हैं, उस मेथड से हमने थेरेपी करी, उसको हमने इंजेक्ट कर दिया पेशेंट के सेल के अंदर। इन वाइवो पढ़ रहे हैं अपन, ये टारगेट ऑर्गन है मान लीजिए लीवर में आपने इसको किया था और एडल्ट स्टेम सेल में किया, एडल्ट स्टेम सेल्स बस, ठीक है, वो तो था कि सीधा आपने डाला। एक्स वाई ओम के अंदर ये थेरापेटिक जीन है भाई, आपने इसको डालना था तो उसके लिए पहले आपने एडल्ट स्टेम सेल ली, आइसोलेट करी और उसको प्रोपागेट किया लेबोरेटरी के अंदर, लेबोरेटरी में ग्रो करवाया, यहीं पर ही आपने थेरापेटिक जीन जो पैकेज किया उसको डिलीवरी करी व्हीकल के द्वारा, कोई व्हीकल लिया कोई वायरस वगैरह से या किसी भी चीज़ से जैसे रिट्रोवायरस होता है उसको सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया। एडीनो वायरस रिट्रोवायरस दोनों कोई भी वायरस अपन ले सकते हैं, उसको इस सेल के अंदर आपने कौन सी सेल, ये जो एडल्ट स्टेम सेल ली है ना गुलाबी गुलाबी दिखाई दे रही है उसके अंदर अपन ने उस ऊपर वाले उस जीन को आपने इंसर्ट करवा दिया और फिर आपने उस सेल को कल्चर कर लिया, खूब सारी सेल बन गई। तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड सेल है, उसको आपने वापस पेशेंट की बॉडी में इंट्रोड्यूस करवा दिया है। इस तरह से अपन जीन थेरेपी काम में लेते हैं। अब ये स्टेप्स क्लियर क्लियर आप देख लीजिए, वहाँ आपको समझ नहीं आ रहा था यहाँ समझ में आ जाएगा। एक्स वाई वो जीन थेरेपी में आपने सेल को आइसोलेट किया, ऐसी सेल को जिसमें जेनेटिक डिफेक्ट था, तो पेशेंट की बॉडी से उस जेनेटिक डिफेक्ट वाली सेल को आपने आइसोलेट किया, फिर उस सेल को कल्चर किया, ग्रो करा अच्छे से, उसमें थेरापेटिक जीन को इंट्रोड्यूस करवाया, फिर जेनेटिकली करेक्ट सेल को आपने सेलेक्ट करा, फिर उसको ग्रो करा और फिर उसको मॉडिफाइड सेल में ट्रांसप्लांट कर दिया पेशेंट में, उस मॉडिफाइड सेल को ट्रांसप्लांट कर दिया पेशेंट की बॉडी में। ये एक्स वाई वो जीन थेरेपी है। एक्स वाई वो जीन थेरेपी के एग्जांपल जो एडीए हमने पहले ही बोला फर्स्ट जीन थेरेपी थी, इसमें हमने एडीए एंजाइम की डेफिशिएंसी को करेक्ट करने के लिए एडिनोसिन डीएमिनेज नाम के एंजाइम को करेक्ट करने के लिए 4 साल के बच्चे के अंदर हमने एक गर्ल थी उसके अंदर हमने परफॉर्म किया था जो कि SCID सीवियर कम्बाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी से ये सफ़र कर रही थी, जो कि ADA के लिए जो जीन कोडिंग था उसमें डिफेक्ट आ गया था, डीऑक्सी एडिनोसिन एक्यूमुलेट हो गया था इससे उसकी बॉडी में और जिसे टी लिम्फोसाइट डिस्ट्रॉय होने लग गई थी और उसकी इम्यूनिटी वीक पड़ गई थी और वो बहुत सारे इन्फेक्शस डिसीज से ग्रस्त हो गई थी बेचारी और यंग एज के अंदर ही मर गई थी। अब कैसे करवा रहे होते हैं भाई, देखो आपने इसमें क्या किया, बैक्टीरिया लिया जिसके अंदर प्लाज्मिड होता है, जिसके अंदर अपन ने उस क्लोन नॉर्मल ह्यूमन ADA जीन को क्लोन किया डाला, ये जेनेटिकली डिसेबल्ड रिट्रोवायरस है इसको लिया, भैया तो बैक्टीरियल वायरस ले लो, इसको आपने क्लोन किया, क्लोन पहले ये जो जीन था वो निकाल कर आपको क्लोन करना है, क्लोन ADA जीन इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू वायरस, पहले बैक्टीरिया में तो आपने क्लोन किया मतलब उसके नंबर को बढ़ाया, फिर उस ADA जीन को लिया और आपने वायरस के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया। यहाँ टी सेल ली विद डिसेबल्ड ADA जीन, ऐसी टी सेल ली जिसमें ADA जीन डिसेबल्ड है, आइसोलेट होना फ्रॉम SCID पेशेंट्स, SCID पेशेंट्स से आप ADA जीन को आइसोलेट नहीं कर पा रहे हो तो आपने उसकी टी सेल्स ली, ये रिट्रोवायरस को आपने टी सेल के साथ में इन्फेक्ट करवाया तो उसने क्या किया उस ADA जीन को उस टी सेल के अंदर इंसर्ट कर दिया उस वायरस ने। अब इस सेल को आप आराम से कल्चर में ग्रोन कर लीजिए, आप इंश्योर कर लीजिए कि उसके अंदर ADA जीन एक्टिव है, फिर इसको आप जेनेटिकली ऑल्टर्ड सेल को जो है वो री इम्प्लांट कर दो, पर्सन के बॉडी में डाल दो और फिर उसके अंदर वो ADA एंजाइम बनने लग जाएगा और उसकी इम्यूनिटी नॉर्मल हो जाएगी। ये तो था एक्स वाई वो जीन थेरेपी। अब इन वाई वो जीन थेरेपी सुनिए, इसमें डायरेक्ट डिलीवरी करते हैं अपन थेरापेटिक जीन की टारगेट सेल में
और फिर पेशेंट की बॉडी में, या आप ये पेशेंट की बॉडी में जो टारगेट सेल है उसके अंदर डायरेक्टली आपने थेरापेटिक जीन को इंसर्ट कराया। इसके अंदर अपन वायरल या नॉन वायरल वेक्टर सिस्टम ले सकते हैं। ये इट कैन बी द ओनली पॉसिबल ऑप्शंस इन पेशेंट्स वेयर इंडिविजुअल सेल्स कैन नॉट बी कल्चर इन विट्रो इन सफिशेंट नंबर। जैसे ब्रेन सेल्स है, इनको अपन बॉडी से बाहर निकाल करके लेबोरेटरी में कल्चर नहीं कर सकते, करेंगे तो ज़्यादा अच्छा नंबर हमें नहीं मिलेगा। तो ऐसे केसेस में हम ये इनवाइवो जीन थेरेपी ही लेते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि जब हम कल्चर्ड सेल्स को हम रीइम्प्लांट नहीं कर पा रहे पेशेंट में इफेक्टिवली, तो फिर हमारे को इनवाइवो जीन ट्रांसफ़र को ही चूज़ करना पड़ेगा, यही ऑप्शन हमको लेना पड़ेगा, अदरवाइज़ हम एक्स वाइवो काम में लेते हैं। इनवाइवो जीन थेरेपी जो है सिस्टिक फाइब्रोसिस के पेशेंट्स में ली जाती है। एक जो प्रोटीन है सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन रेगुलेटर CFTR, ये एब्सेंट है जीन डिफेक्ट की वजह से, तो उसके लिए अपन ये थेरेपी काम में ले सकते हैं। तो CFTR अगर एब्सेंट है तो CFTR क्लोराइड आयंस कंसनट्रेट विद इन द सेल, सेल में वो कंसनट्रेट हो जाएगी, और ये क्या करती है, अपने ये जो क्लोराइड आयन जब इकट्ठे हो गए, CFTR क्लोराइड आयन CFTR एब्सेंट है तो क्लोराइड आयन इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो आसपास की सेल से सारा सारा पानी निकाल लेते हैं, जिससे कि स्टिकी म्यूकस जो है वो इकट्ठा हो जाएगा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में लंग्स के अंदर। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या होता है, लंग्स में म्यूकस भर जाता है। इसको आप इन वाइवो रिप्लेसमेंट से ट्रीट कर सकते हैं। इन वाइवो रिप्लेस कर दीजिए डिफेक्टिव जीन को एडिनो वायरस वैक्टर के द्वारा और ये ठीक हो जाएगी कंडीशन। तो ये देखिए, नॉर्मल ह्यूमन जीन को आपने बैक्टीरिया में क्लोन करा, नॉर्मल जीन का DNA सीक्वेंस है, इसको आपने इंसर्ट कर दिया हार्मलेस वायरस के अंदर, ये वायरस ड्रिप्ड इनटू द लंग। ये वायरस में पहले आपने नॉर्मल ह्यूमन जीन को डाला, जिसको आपने पहले बैक्टीरिया में क्लोन किया था, ह्यूमन जीन लिया, क्योंकि जीन आएगा तो छोटा सा आएगा, आप पहले उसको बैक्टीरिया में क्लोन करिए, फिर उसका नंबर बढ़ जाएगा, फिर उस बैक्टीरिया से उसको ऐसे वायरस में डालिए जो हार्मफुल नहीं है। हार्मफुल वायरस में डाला तो हम उस वायरस के इन्फेक्शन से मर जाएंगे, तो हार्मलेस वायरस AAV के अंदर आप डाल दीजिए, फिर उस वायरस को आप लंग में डाल दीजिए, थिन ट्यूब से इंसर्ट करवा दीजिए नोज़ के अंदर, और वायरस आपके लंग में चला जाएगा। लंग के अंदर ये वायरस लंग सेल के न्यूक्लियस में एंटर होता है। ये न्यूक्लियस में देखिए दिखाया गया, ये नॉर्मल जीन जो DNA सीक्वेंस है वो इंसर्ट कर देगा लंग सेल के DNA में ये वायरस जो है, और फिर ये सेल जो है वो नाउ विद नॉर्मल जीन्स फंक्शन नॉर्मली, क्योंकि अब ये सेल जो है वो नॉर्मल जीन के साथ आ गई है, और वो खूब अपने अपने नंबर को खुद से बढ़ा लेगी, और फिर नॉर्मल सेल हमारे अंदर आ जाएगी, तो फिर पर्सन ठीक हो जाएगा। ये प्रोसेस है। अब कौन कौन से वैक्टर्स हैं जो जीन थेरेपी के लिए हम काम में ले सकते हैं, तो डिज़ायर्ड जीन को टारगेट सेल में ट्रांसफ़र करने के लिए हमें कैरियर की आवश्यकता होती है। वो कैरियर जो है इस तरह के, उसको अपन व्हीकल कहते हैं, और इस तरह के व्हीकल्स जो हैं वो जीन डिलीवरी करते हैं, तो उन्हें हम वेक्टर्स कह देते हैं। दो मेन क्लासेस है वेक्टर की, वायरल वेक्टर और नॉन वायरल वेक्टर। वायरल में देख लीजिए भाई, वायरसेस, कैटायनिक पॉलीमर्स, डेंड्राइमर्स, CP पेप्टाइड्स, लाइपोसोम्स, ये कैरियर बताए गए हैं, वैक्टर बताए गए हैं। अब पहला वायरल वैक्टर है रिट्रोवायरस वैक्टर सिस्टम। इसमें रिकॉम्बिनेंट रिट्रोवायरसेस जिनमें एबिलिटी होती है होस्ट जीनोम में इंटीग्रेट होने की, स्टेबल फैशन में ये इंटीग्रेट हो जाते हैं, इसलिए अपन इसको चूज़ करते हैं, क्योंकि इनमें होस्ट जीनोम में इंटीग्रेट होने की एबिलिटी होती है। ये रिकॉम्बिनेंट रिट्रोवायरस होते हैं, ये DNA को कैरी कर सकते हैं, लगभग 3.4 KB से भी जो छोटा DNA उसको ये कैरी कर सकते हैं, ऐसी इनकी खासियत है। फिर ये रेप्लिकेशन करते हैं, रेप्लिकेशन डिफेक्टिव वायरस पार्टिकल, तो ये रेप्लिकेशन करेंगे, टारगेट सेल में जाएंगे, टारगेट सेल डिवाइड करेगी, नंबर बढ़ जाएगा। दूसरा एडिनो वायरस, पहला रिट्रो वायरस, दूसरा एडिनो वायरस। एडिनो वायरस DNA वायरस है, रिट्रो वायरस RNA वायरस था। एडिनो वायरस विद DNA जीनोम, ये एक बहुत अच्छा वेक्टर है, टारगेट है नॉन डिवाइडिंग ह्यूमन सेल में ये जाता है, कॉमन कोल्ड एडिनो वायरस अपन इसमें काम में ले सकते हैं। तो देखो ये कैसे वायरस जाता है, कैसे अंदर घुसाता है, ये पूरा वो सिस्टम है जो आपने अपने माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ा था, आपको पढ़ाया गया था कि वेक्टर बाइंड हो रहा है सेल मेम्ब्रेन पे पहले, फिर वहाँ अंदर जाकर वेसिकल में पैकेज हो गया, फिर वेसिकल टूटी, डाउनस्ट्रीम रिलीज हुआ इस वेक्टर का, ये न्यूक्लियस के अंदर गया, सेल मेक्स प्रोटीन यूजिंग न्यू जीन।
अब तीसरा एडीनो एसोसिएटेड वायरस वेक्टर, ये ह्यूमन वायरस है एक जो कि इंटीग्रेट करता है क्रोमोसोम 19 के अंदर। ये सिंगल स्ट्रैंडेड नॉन पैथोजेनिक स्मॉल डीएनए वायरस है। AAV यानी एडीनो एसोसिएटेड वायरस हॉस्टल में एंटर होता है, डबल स्ट्रैंडेड बन जाता है और फिर ये क्रोमोसोम को इंटीग्रेट कर देता है। फोर्थ है हर्पिक्स सिंप्लेक्स वायरस वेक्टर, इसमें वायरसेस जो हैं विच हैव नेचुरल टेंडेंसी टू इन्फेक्ट अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल, इनमें पर्टिकुलर टाइप की सेल को इन्फेक्ट करने की नेचुरल टेंडेंसी होती है। ये इन्फेक्ट करते हैं नर्वस सेल्स में और वहाँ पे परसिस्ट करते हैं। अब नॉर्मल वेक्टर सिस्टम है, प्योर डीएनए से होता है, लाइपोप्लेक्सिस से हो सकता है और भी कई तरह के हैं। प्योर डीएनए कंस्ट्रक्ट, इसमें डायरेक्ट इंट्रोड्यूस करना है आपको प्योर डीएनए कंस्ट्रक्ट को टारगेट टिश्यू में, क्योंकि डीएनए में एफिशिएंसी होती है और सेल में अपने आप अपटेक हो जाता है और अपने एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करता है अपने आप को एंड एक्सप्रेस रादर लो। कॉन्सिक्वेंटली लार्ज क्वांटिटी में डीएनए जो है हमारे को पीरियोडिकली इंजेक्ट करना पड़ता है, इसके अंदर लगातार आप पीरियोडिकली इंजेक्ट करते रहिए लार्जर डीएनए को, तब वो जा करके अपना असर दिखा पाता है। दूसरा है लाइपोप्लेक्सिस, इसमें लिपिड डीएनए कॉम्प्लेक्सेस जो हैं उसमें डीएनए कंस्ट्रक्ट करता है सराउंडेड बाय आर्टिफिशियल लिपिड लेयर, डीएनए को बनाया जाता है आर्टिफिशियल लिपिड लेयर के साथ में। इनमें से अधिकतर जो है वो लाइसोसोम से डिग्रेड हो जाते हैं, तो थोड़ी इसकी ये प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है डीएनए मॉलिक्यूलर कॉन्जुगेट्स, इस खाली नाम याद कर लीजिए, खैर आपको इतना ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं, इतना अपने लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है, इतना बड़ा क्वेश्चन भी नहीं आएगा। तो डीएनए मॉलिक्यूलर कॉन्जुगेट वेक्टर है, नॉन वायरल वेक्टर, एक ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम भी अपन काम में ले सकते हैं। अब जीन डिलीवरी कैसे करनी है, तो भाई जीन गन से कर सकते हो, माइक्रो इंजेक्शन से कर सकते हो, ये दोनों फिजिकल मेथड है। इसके अलावा केमिकल मेथड भी होता है, जो वायरस लिया था वो बायोलॉजिकल मेथड था इंजेक्ट करने का। जीन गन हाई प्रेशर डिलीवरी सिस्टम है, इसमें शूट टिश्यू को शूट किया जाता है गोल्ड या टंगस्टन पार्टिकल्स के साथ में जो डीएनए से कोटेड हुआ हुआ रहता है। डायग्राम में जीन गन दिखाई गई है। दूसरा है माइक्रो इंजेक्शन, इसमें माइक्रो पाइपेट ग्लास की माइक्रो पाइपेट लेते हैं, माइक्रोस्कोपिक सबस्टांसिस को इसमें सिंगल लिविंग सेल के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट है नॉर्मली परफॉर्म किया जाता है इसको स्पेशलाइज ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप सेटअप के साथ में, जिसको अपन माइक्रो मैनिपुलेटर भी कहते हैं, ताकि हम देख सके अच्छे से इसमें डाल सके। केमिकल मेथड में अपन डिटर्जेंट मिक्सचर को काम में ले सकते हैं, लाइपोफैक्शन को काम में ले सकते हैं। कुछ चार्ज केमिकल्स होते हैं जैसे कैल्शियम फॉस्फेट, इनको आप cDNA के साथ में, फंक्शनल cDNA के साथ में मिक्स करिए, डिजायर्ड फंक्शन वाला cDNA ले लीजिए, फिर मिक्स करिए। इस मिक्सचर को आप रिसिपिएंट सेल की विसिनिटी के पास में इंट्रोड्यूस कर दीजिए, तो केमिकल्स जो हैं वो सेल मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब कर देंगे, पोर साइज को वाइड करेंगे और cDNA ताकि आराम से सेल के अंदर घुस पाएगा। दूसरा है लाइपोफैक्शन, ये वो टेक्निक है जिसके अंदर अपन जेनेटिक मटेरियल को सेल में इंजेक्ट करते हैं लाइपोसोम्स की मदद से। लाइपोसोम्स आर्टिफिशियल फॉस्फोलिपिड वेसिकल्स होते हैं जिनको अपन यूज़ करते हैं बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को सेल में इंट्रोड्यूस करने के लिए, जैसे डीएनए वगैरह, कई मॉलिक्यूल्स को अपन लाइपोफैक्शन के द्वारा भी इंट्रोड्यूस करते हैं। ये लीवर के थ्रू बताया गया है कैसे अंदर गया। अदर टाइप्स की जीन थेरेपी में जीन ऑगमेंटेशन थेरेपी आती है, जीन इनहिबिशन थेरेपी आती है, खाली नाम पढ़िए, इसको डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके नुकसान क्या हैं भाई, लॉन्ग लास्टिंग थेरेपी इससे अचीव नहीं हो पाती है, जीन थेरेपी द्वारा लॉन्ग लास्टिंग थेरेपी अपन नहीं दे पाते। ये रैपिड डिवाइडिंग सेल्स की वजह से इस जीन थेरेपी के बेनिफिट्स जो हैं वो शॉर्ट लिव्ड होते हैं, थोड़े समय के लिए दिखेंगे। इम्यून रिस्पॉन्स टू द ट्रांसफर्ड जीन स्टिमुलेट्स अ पोटेंशियल रिस्क टू जीन थेरेपी, वे इम्यून रिस्पॉन्स वाली प्रॉब्लम भी जीन थेरेपी में रह रही होती है, कई बार इम्यून रिस्पॉन्स बिगड़ जाता है। वायरस जो वेक्टर के रूप में अपन ने यूज़ किए थे वो कई बार टॉक्सिसिटी कॉज कर सकते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स बदल सकते हैं, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन हॉस्ट में कॉज कर देते हैं और कई तरह के डिसऑर्डर्स इसकी वजह से हो सकते हैं, जैसे कि डिफेक्ट्स इन मल्टीपल जीन हो सकते हैं, बहुत सारे जीन्स में डिफेक्ट आ जाए जिसको आप ट्रीट जीन थेरेपी से कर ही ना पाएँ, एक ठीक करने के चक्कर में आपने कई चीज़ें बिगाड़ ली, तो ये इसके नुकसान हो सकते हैं। जीन थेरेपी के अब एडवांटेजेस क्या क्या हैं, हम इसे हेरिटेड डिजीज़ को एलिमिनेट कर सकते हैं, हटा सकते हैं या उसको प्रिवेंट रोक सकते हैं, जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस, ADS, CID वगैरह, हार्ट डिजीज़, एड्स, कैंसर जैसी बीमारियों को ठीक करने के भी काम आता है। इट गिव समवन बॉर्न विद अ जेनेटिक डिजीज़ अ चांस टू लाइफ, भाई कोई
बच्चा अगर जेनेटिक डिजीज़ के साथ में पैदा हुआ है तो उसको जीने का मौका मिल सकता है इस थेरेपी को यूज़ करके, मे बी 100% श्योरिटी नहीं है। और बहुत सारे डिजीज़ को इरेडिकेट करने में, फ्यूचर जनरेशन्स में इरेडिकेट करने में भी ये काम आएगा। कंक्लूजन क्या है, थ्योरेटिकली जीन थेरेपी एक परमानेंट सॉल्यूशन है जेनेटिक डिजीज़ का, हालांकि इसमें काफ़ी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी हैं, पर करंट स्टेज में हम देखें तो ये सभी लोगों में एक्सेसिबल नहीं है क्योंकि काफ़ी महंगी पड़ती है भाई, हर कोई यूज़ नहीं कर सकता। इसके ब्रेक थ्रू भी हमें कम एनी टाइम भाई कभी भी हो सकता है कि बीच में कोई ख़राबी आ जाए हर एक डिजीज़ में, इसलिए जो है जीन थेरेपी पॉसिबल भी नहीं हो पा रही है और रिस्क भी बहुत रहता है। पोटेंशियल हैव द पोटेंशियल टू रिवोल्यूशनाइज द प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन की प्रैक्टिस में रिवोल्यूशनाइज भी ये हो सकती है, साबित हो सकती है। तो बस आज के लिए इतना काफ़ी है, जीन थेरेपी नाम का हमारा ये टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है। आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो हम अपने यहाँ पर क्लास ख़त्म करते हैं स्टूडेंट्स, थैंक यू क्लास।